फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे एजेंट होते हैं LIC के एजेंट, वो एजेंट बनते कैसे हैं और ये एजेंट होता क्या है और ये एजेंट काम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तीनों सवालों के जवाब जो है हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जो वीडियो हैं वो आपको आगे और मिलती रहे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। तो फ्रेंड्स, बिना आपका वक्त गवाए चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एजेंट होते कौन हैं। तो फ्रेंड्स, LIC कंपनी और क्लाइंट के बीच में जो तालमेल जो है वहाँ पे बिठाते हैं, जो उन दोनों को मिलवाते हैं, उनका इंट्रोड्यूस करवाते हैं LIC कंपनी को क्लाइंट से, तो वो होते हैं हमारे LIC एजेंट। उनका काम सिर्फ LIC जो LIC कंपनी है और क्लाइंट के बीच में मीडिएटर का होता है। यानी कि फ्रेंड्स, कई सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट LIC कंपनी के पास नहीं जा सकते हैं या फिर उनको इतना टाइम नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, कई सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से उन तक LIC कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी में एजेंट बनाती है और उन एजेंट को प्रोवाइड करती है सबके लिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है, वो भी पॉलिसी लेना चाहता है, तो वहाँ अगर कोई भी एजेंट होगा तो वो उसकी पॉलिसी करेगा। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति तक अपनी पॉलिसी LIC में करवा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे एजेंट होते हैं उनका काम ही यही होता है कि उस हर व्यक्ति की पॉलिसी करना जिसको कि उसकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, LIC एजेंट वही होता है जो कि LIC कंपनी और क्लाइंट के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, जिससे कि क्लाइंट LIC कंपनी को जान पाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि LIC एजेंट होता क्या है। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि LIC एजेंट काम कैसे करता है। दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो हमारा LIC का जो एजेंट है वो आखिर बन कैसे सकता है। कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग LIC में एजेंट बनना चाहते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो कैसे बनेंगे वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में ज़रूर बने रहिए। फ्रेंड्स, पहले हम लोग अपने दूसरे सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि जो LIC एजेंट होता है वो काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, LIC एजेंट का काम क्या होता है, जैसा कि आप में से अगर कुछ लोग एजेंट होंगे या फिर क्लाइंट भी होंगे तो आजकल उनको भी इतनी नॉलेज है कि LIC एजेंट काम ऐसे करता है कि वो अपने नियर, जो भी उसके नियर एंड डियर फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए, उनके पास जाता है, अपनी पॉलिसी को बताता है कि मैं LIC में एजेंट हूँ, मैं LIC का काम करता हूँ, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो LIC एजेंट क्या करता है, हर व्यक्ति की पॉलिसी करता है जिसको कि उसकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये होता है LIC एजेंट का काम। फ्रेंड्स, इस काम के बदले क्या मिलता है, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता ही है कि फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा वीडियो में ऐड कर लेती हूँ कि LIC एजेंट को पर पॉलिसी पे कमीशन मिलता है और ये कमीशन जब तक आता है जब तक कि वह पॉलिसी चलती रहती है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति की पॉलिसी बनाई है किसी एजेंट ने और वह पॉलिसी लैप्स हो गई है, यानी कि बंद हो चुकी है, क्लाइंट ने पैसे नहीं भरे, तो उस बंद पॉलिसी पे एजेंट को भी कमीशन नहीं आएगा। लेकिन अगर पॉलिसी 20 साल की, 21 साल की है और कोई व्यक्ति उसको पूरे 20-21 साल चलाता है तो एजेंट को उन 20 और 21 साल तक कमीशन आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सीधा सा मतलब यही है कि आप पॉलिसी कीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए और उस ईमानदारी के बदले आप 20 साल 21 साल जितने भी साल की आपने पॉलिसी की है उसका आपको बैठे बैठे कमीशन आता रहेगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देती हूँ कि LIC में आखिर एजेंट बन कैसे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है। वैसे तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि आप लोग सारी चीज़ें जान सकते हैं कि LIC में जो एजेंट होता है उनका कितना परसेंट उनको कमीशन मिलता है और LIC एजेंट कैसे बन सकते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। लेकिन फिर भी आज हम वीडियो में एजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आखिर एजेंट बनते कैसे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी LIC में एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले, अगर आपके आसपास कोई भी एजेंट है, यानी कि कोई LIC में एजेंट है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मैं एजेंट कैसे बन सकता हूँ, यानी कि आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई LIC की ब्रांच है तो आप वहाँ जाकर भी डिस्कस कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं जो कि LIC ब्रांच में होते हैं, उनका काम ही होता है कि एजेंट बनाना और उनसे काम करवाना।
तो फ्रेंड्स आप जाके LIC ब्रांच में भी बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके आसपास कोई ऐसा एजेंट भी है जो कि क्लब मेंबर में शामिल है, जैसे कि BM क्लब मेंबर, CM, ZM, काफ़ी सारे यहाँ पे क्लब मेंबर होते हैं जो कि अपने जो टारगेट हैं साल दर साल जब वो पूरे करते जाते हैं और उनकी जो पॉलिसी का लैप्सेशन होता है काफ़ी कम होता है, तो उनको क्या करते हैं मेंबर यानी कि क्लब में शामिल कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्लब होते हैं जो कि उसमें भी कुछ क्लब मेंबर को ये परमिशन मिल जाती है कि वो अपने अंडर भी एजेंट को बना सकते हैं और काम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप 3 काम कर सकते हैं, या फिर अपने नियर बाय किसी एजेंट की हेल्प लें, या फिर अगर आपके आसपास कोई नियर बाय एजेंट है और वो किसी क्लब मेंबर में शामिल है तो वो भी आपको एजेंट बना सकता है, उससे भी आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सबसे सिंपल काम कीजिए, ब्रांच जाइए, ब्रांच में डेवलपमेंट ऑफिसर से जाके मिलिए और वो आपको एजेंट बनने में पूरी पूरी हेल्प करेगा। दोस्तों एजेंट जब भी आप लोग बनते हैं तो सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है जो कि IRDA के द्वारा ही किया जाता है, और ये कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपको हाथों हाथ ही रिजल्ट आ जाता है कि आप पास हैं या फिर फेल। 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपको पासिंग मार्क्स 17 या फिर 18 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स, और उसके बाद आप जब एक पॉलिसी डालते हैं तो एक पॉलिसी के साथ ही आपका एजेंसी कोड लग के आता है और उसके बाद आपकी पॉलिसी पर कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं और मैं उनका जवाब देती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है कई सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो भी तो आपको देखनी है। दोस्तों इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय फ्रेंड्स।